हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे मालवर्स पिंच और आलू की मसाला सब्जी। मसाला सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू और मालवर्स पिंच को ऐसे लंबे लंबे हिस्सों में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू लिए थे। मालवर्स पिंच के पत्ते जिसको हम कट कर लेंगे। 4 से 5 बड़े चम्मच ऑयल, पंचफुटन, हल्दी पाउडर, नमक और मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 प्याज, 8 से 10 लहसुन और 3 लाल मिर्च। इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मालवर्स पिंच और आलू की मसाला सब्जी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर पैन मीठा कर उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन हमारे अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे पंचफुटन। अब हम इसमें आलू और मालवर्स पिंच को डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे हम मिला लेंगे। अब हम मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम मसाले को आलू और मालवर्स पिंच में डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम में रखकर इसे 10 मिनट तक पकाना है। सब्जी को पकने में पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर सब्जी को थोड़ा सा मिला लेंगे। देखिए आलू भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए मालवर्स बीन्स के पत्ते को डाल देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर इसे पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर सब्जी को थोड़ा सा मिला लेंगे।
इसको हम बिना ढके ही 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। एक मिनट भी हो चुकी है और सब्जी में से पानी भी हमारी सूख चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी आलू और मारवाड़ स्प्रिंग्स की मसाला सब्जी रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।